अंतिम सवाल हम आपसे कर लेते हैं कि पप्पू यादव जी बहुत दिनों से जेल में हैं, क्या प्रगति है, कब तक वो बाहर आ जाए? देखिए, पप्पू यादव जी आज 65 दिन हो गया, बिहार सरकार ने जो साजिश रची उस साजिश के शिकार हैं। भाजपा के कुछ चंद नेताओं के फरेब के शिकार हैं। न्यायालय पर पूरा भरोसा है, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है, बेल पिटीशन उनका फाइल है, निचली अदालत ने उन्हें 6 महीने के अंदर में केस को डिस्पोजल की कहा था, वो भी प्रक्रिया जारी है। उच्च न्यायालय में हमारा जो याचिका है जमानत का, वो दायर है। हम समझते हैं कि जैसे ही लिस्टिंग होगी, शीघ्र हम एक बिहार के सजग कार्यकर्ता के नाते और एक पप्पू यादव जी के विचारों को लेकर हमेशा जन जन तक पहुंचाने को जो हमारे के अंदर में भी जो जज्बा रहता है, उस नाते भी हम इतना ही उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत शीघ्र ही पप्पू यादव जी पुनः एक बार पूरे उसी जज्बे और विचारों के साथ, ताकत के साथ बिहार की सेवा और देश की सेवा करने के लिए बाहर जल्द आएंगे। उसके लिए एक ही शब्द है, न्याय के घर में देर होता है, अंधेर नहीं। अब पप्पू जी के नहीं रहने के कारण क्या आपको लगता है कि पार्टी की जो जो विचारधारा है वो थोड़ी सी धुंध पड़ी हुई है या कमजोर हुई है? नहीं, पप्पू की विचारधारा सेवादारी की है, पप्पू की विचारधारा मदद ऑन द स्पॉट है, पप्पू यादव जी की विचारधारा हर हमेशा इंसानियत और मानवता को आगे रखना है। इसके लिए यदि खुद को भी खो करके भी काम करना पड़े, खुद को समझिए कि कुर्बानी दे करके भी करना पड़े, आप चले जाइए। पप्पू यादव जी को 11 मई को जब जेल भेजा गया, तभी पटना के आवास से और उनके कार्यालय से लोगों की मदद और सेवादारी जारी थी। आज भी घटनाएं घटित होती है, हमारे कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंचते हैं, हर बिंदु सवालों पर, हर अत्याचार और जुल्म पर आवाज़ पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी उठाते रहते हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप जब पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी को सर्च करेंगे, राजेश रंजन सर्च करेंगे, आपको दिखेगा कि पार्टी पहले कहीं से ज़्यादा जवाबदेहियों के साथ मजबूती से लगी रहती है। हम लगातार हर बिंदु पर सड़क पर थे, महंगाई पर सबसे ज़्यादा बिहार में यदि कोई मुखर आवाज़, आज पेट्रोल डीजल की सबसे ज़्यादा आज कीमत बढ़ गई है, इस पर हमारी पार्टी सर कप उतरी है। हर प्रकोष्ठ, हर मोर्चा हमारा उतरा, हर जिला के कार्यक्रम मेरा लगातार होते रहा है, चाहे अभी किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा रही है, अभी हाल फिलहाल में उत्तर के बिहार के जिलों में कुछ में बाढ़ के इलाका में जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी है, वहाँ पर हमारी सेवादारी जारी है, मधुबनी में, मोतिहारी में, बेतिया में, सब जगह मेरा जारी है। इसलिए पप्पू यादव जी ये कह सकते हैं कि पप्पू यादव जी आज बाहर होते और मजबूती से हुआ और ताकत से, कमज़ोर नहीं हुआ है, ना जज्बा कमज़ोर हुआ है, ना तरीका कमज़ोर हुआ। चलिए, आपने देखा कि प्रेमचंद सिंह जो जाप के प्रवक्ता हैं और महासचिव भी हैं, उनसे कई मुद्दों पे, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है उससे लेकर के, और बिहार सरकार के जो नए मंत्री बनाए गए हैं और उससे क्या क्या फायदे होंगे या नहीं होंगे उस पर भी, और फिर अंत में पप्पू यादव कब जनता के बीच होंगे उस पर भी हमने सीधा सवाल उनसे किया, और बड़े तरीके से, बड़े बेबाकी के साथ उन्होंने अपने जवाब को सामने रखा है। हम इसी तरह से चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ATN लाइव आपको हमेशा ऐसे
प्रखर वक्ताओं के साथ बैठ करके और उनसे जो देश की समस्या होगी, जो बिहार की समस्या होगी, हम उस पर आपसे उनसे बातचीत करके आपके सामने लाते हैं।